हे एवरीवन, गुंजन अरोरा दिस साइड। सो जो आपको मैंने एनालिसिस वीडियो बना करके दिया था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ट्रेड लिया और ये सपोर्ट एरिया पे मैंने बाय किया था गाइस। और ये मेरा आपको सिंगल अकाउंट दिखाता हूँ, एक अकाउंट है ये वाला। इस अकाउंट के अंदर अभी ये ट्रेड चल रहा है आपके सामने। 9:15:07 पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और अभी 9:17 हुए हैं। 3 से 4 मिनट के अंदर ये पोजीशन आपके सामने है। 150 क्वांटिटी मैंने पेंडिंग छोड़ रखी है और इसके अंदर भी मैं आपके सामने अभी ट्रेलिंग एसएल लगा देता हूँ। 434 चल रहा है ना, मैं 430 का ट्रेलिंग एसएल लगा देता हूँ। अगर हिट हुआ तो हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, डन है गाइज। ये मैंने लगा दिया ऑर्डर, ठीक है। ये देखिए आपके सामने पेंडिंग ऑर्डर लग गया है और अब जो इसके अंदर मिलेगा बहुत बढ़िया। अपने को यही सेम ट्रेड मैंने 2 अकाउंट्स में और, यानी टोटल मेरा ये 3 अकाउंट्स में, अगर आप लोग पुराने जुड़े हो मेरे को मेरे साथ तो आपको मालूम होगा कि मैं 3 या 4 अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ। इवन मेरे पास 7 अकाउंट्स हैं टोटल, बट मैं एक टाइम पे 3 अकाउंट्स या 4 अकाउंट से ज़्यादा हैंडल नहीं हो पाते, तो 3 से 4 अकाउंट मैं करता हूँ ट्रेड। तो अभी देखिए मैं इसके अंदर ट्रेलिंग को बढ़ा देता हूँ आपके सामने। 439 हो गया ना, मैं 435 पे कर देता हूँ, 436। एंड आई होप कि मेरा एग्जीक्यूट हो गया गाइज। ये 28,000 का इस अकाउंट में और एक मिनट दूसरे में कितना हुआ, 27 का एक अकाउंट में और 32 का एक अकाउंट में प्रॉफिट आपके सामने। ये सुबह सुबह छोटा सा हुआ तो मेरे को लगा एक छोटी सी वीडियो बना करके आपके आपके लिए शेयर की जानी चाहिए। एनालिसिस करो और उस एनालिसिस को ट्रेड एग्जीक्यूट करो अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अपने सिस्टम के साथ। ऑप्शन बाइंग की है, ऑप्शन बाइंग में डेली पैसा बनता है और आप सबको मालूम है कि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ और स्कैल्पिंग में पैसा बनता है गाइस। आप ट्रेड को बहुत ज़्यादा देर होल्ड करके बैठेंगे कोई मतलब नहीं है। आपके सामने कितनी देर रुका, पैसा बनाना सारा दिन बैठ के ज़रूरी थोड़ा है कि हमको सारा दिन बैठना है। मेरा टारगेट होता है कि 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया, 2 लाख रुपये के आसपास डेली अपने को बनना चाहिए मेरी कैपिटल साइजिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरी कैपिटल साइज के अकॉर्डिंग मेरे को अगर ये चीज़ पहले 15-20 मिनट में बन जाए या कभी भी मेरे को दिन में 1 या 2 ट्रेड लेने से या स्कैल्पिंग करने से बन जाए, तो बहुत ज़्यादा देर मैं ये हैंड ग्रेनेड को खोल करके अपने पास क्यों रखूँ, वाई क्या नीड है उसको अपने को रखने के अपने पास, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट करके बताना कैसा लगा और एनालिसिस आप इससे पहले ज़रूर देखा होगा मेरे को मालूम है। अगर देखा हुआ उससे बेनिफिट मिले तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको किस तरह का कंटेंट मेरे से और एक्सपेक्टेड है। मैं डेफिनेटली आपका उसके अंदर सपोर्ट करूँगा, मैं आपको कंटेंट बना करके दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी भी बात करूँ गाइज आपसे तो यस, आप अभी भी अगर सपोर्ट एरिया में मिलता है एक फिर से ट्राई की जा सकती है बाइंग साइड जाने की। So thank you very much.